सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवमी, तो मैं फिर से वही उम्मीद से, पिछले साल वाली उम्मीद से इस बार भी रेडी होकर निकल रही हूँ। देखती हूँ कि क्या ही घूम पाती हूँ, कहीं दिखते हैं दुर्गा जी का पंडाल तो वहाँ विजिट करेंगे और कुछ खा पी कर चले आएंगे। तो बस बहुत ही उम्मीद से फिर से इस बार निकल रही हूँ। पिछली बार तो कोरोना की वजह से शायद नहीं लगा था, बहुत कम लगा था, बट इस बार मुझे सुनने को मिला है कि कहीं कहीं पंडाल से बने हैं, तो चलते हैं देखते हैं। वैसे चलिए मिलते हैं आपसे हम लोग मार्केट में। अभी विशाल ऑफिस से आए हैं, वो रेडी हो रहे हैं, तो दिखाती हूँ मैं। सो गाइस, कल ही परसों हम लोग का आर्गूमेंट हुआ था कि मैं परफ्यूम नहीं लगाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, ऑल टाइम कहीं भी जाना होता है परफ्यूम जरूर लगाते हैं। आर्गुमेंट करेंगे ना तो जीतने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश, नाकामयाब कोशिश। किसी ने नहीं देखा भाई साहब, अभी मैं दिखाऊंगी बैक, कभी ना कभी तो मैं दिखा ही दूंगी। कभी ना कभी तो मैं दिखा ही दूंगी, देख लीजिए। डोंट आर्गू विदाउट अ प्रूफ। चलिए, सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं फिर से उसी उम्मीद से घूमने फिरने की, कुछ मिले देखने को, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिलता हम लोग को। तो हम लोग शांति से निकल जाते हैं शदर, क्योंकि हम लोग को फिर वही उम्मीद था कि चलो कुछ वहाँ मिलेगा। बट उसमें भी था ना कि आज शायद छुट्टी वाला दिन था, मतलब सदर शायद मंगलवार को बंद रहता है, तो हम लोग थोड़ा सा वो रहे थे कि पता नहीं खुला रहेगा या फिर नहीं। मार्केट सारा बंद था बट जो खाने का स्ट्रीट था ये सब खुला था, तो बस यहीं पर लग रहा था कि दशहरा है, क्योंकि इस गली में हमेशा लगता है जब दशहरा जैसा फील करोगे इस गली में आकर, एकदम भीड़ भाड़। तो हम लोग इसलिए यहाँ चले आए थे और यहाँ से हम लोग खा पी कर घर चले जाते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके थे रेस्टोरेंट में और हम लोग ने बाहर भी पास्ता वास्ता खा लिया था, बट था कि डिनर करके घर चलेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे और विशाल कुछ बोलना चाह रहे थे, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, फिर मैंने ऑन कर दिया। बोलने का आपको जिज्ञासा था, इसको देख के मेरा कैमरा ऑन हो चुका है। पेट इतना भर चुका है कि खाने का मन नहीं। क्या खाए हैं? आज में कि कुछ चला जाए पेट में। कढ़ाई पनीर 60 रुपए का 260 हट गया होगा, गलत कर दिया। सो गाइस, आ चुका है हमारा मेन कोर्स, क्योंकि हम लोग ने बाहर बहुत कुछ खा लिया था। मैं पास्ता भी खाई थी और भी कुछ खा ली थी, बट मेरा पेट भर चुका था, तो यहाँ पर था कि मेन कोर्स खा कर डिनर करके घर चला जाए, और बस ये था। और यहाँ का खाना हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग कहीं से भी आते हैं तो हम लोग यहीं खाने आते हैं। बट ये था ना कि इस बार का शायद शेफ चेंज हो गए होंगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना बड़ा बड़ा टमाटर था कि क्या ही बोला जाए, मतलब इतना बड़ा बड़ा पीसेस था हर चीज़ का कि मेरा तो एकदम दिल ही टूट गया था। इतना मतलब इतना उससे हम यहाँ आते थे खाने के लिए और मेरा मनपसंद यहाँ मिला भी नहीं इस बार। भी खाया, बात करने में इतना बिजी है। कि कपड़ा खुल गया है लेकिन हेलमेट नहीं खुला। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और रात का ये सीन था कि हम लोग आए और खाना वाना खाकर तो थक गए थे एकदम, सो गए। सोने के बाद अभी मॉर्निंग है, मॉर्निंग रात का ये था ना कि हम लोग जब जा रहे थे ना, जिस समय घर पे थी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी कि शायद कहीं दुर्गा जी बैठी है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि 9 दिन तो आवाज़ आए नहीं, तो आज आ रहा है। तो फिर मुझे ये लगा, तो विशाल जब आए ऑफिस से तो उसने मुझे बताया कि अरे ऐसा नहीं है, यहाँ ना रास्ते रास्ते भर भंडारा हो रहा है, वहीं पर ऐसा डीजे बज रहा है। तो मैं सोची अच्छा, तो ये वाला सीन था, लेकिन ऐसा दुर्गा पूजा वाला कोई सीन नहीं था। तो फिर क्या, हम लोग गए अपने खा पी कर चले हैं। यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।